दोस्तों, यह वीडियो बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है, जो कि इसमें जो 50 प्लस क्वेश्चन कवर किए गए हैं वो बेसिकली बेस्ड हैं क्रेडिट पे, एसजीपी और सीजीपी कंपटीशन पे। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं और या आपने कहीं से पास किया हुआ है और वहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो होता है, तो ये शायद 50 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चन के माध्यम से आप जान सकते हैं कि एस जी पी ए का मतलब क्या होता है, सी जी पी ए का मतलब क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट पॉइंट क्या होता है, ये कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। और अगर आप एग्जामिनेशन सेल में काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जिससे आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं और चीज़ों को सीख भी सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन हर क्वेश्चन को देखते हैं कि इसका बेसिकली मतलब है क्या। आइए, टोटली हिंदी में है सो मैक्सिमम पीपल कैन अंडरस्टैंड, स्पेशली इन इंडिया। ओके, वैसे अगर ग्रेडिंग सिस्टम का कंसेप्ट देखा जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड सेम होता है, कैलकुलेशन भी सेम होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिफरेंट हो सकती है, बट 90% चीज़ें सेम ही होती हैं। तो फर्स्ट चीज है, व्हाट डज क्रेडिट रिफर टू इन एकेडमिक टर्म। तो बेसिकली एकेडमिक टर्म में क्रेडिट को हम क्या बोलते हैं? तो बेसिकली क्रेडिट क्या होता है कि क्रेडिट जस्ट लाइक ए यूनिट टू मेजर द अमाउंट ऑफ कोर्स वर्क। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट डज क्रेडिट पॉइंट टिपिकली रिप्रेजेंट? सो बेसिकली क्रेडिट पॉइंट बेसिकली जो भी हमारा क्रेडिट है उसके वेट को रिप्रेजेंट करता है या किसी कोर्स के वेट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आप बी ऑप्शन देखेंगे, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। ये यूनिट इंडिकेटिंग द वेट और वैल्यू ऑफ ए कोर्स। हाउ इज क्रेडिट पॉइंट यूजली असाइन टू ए कोर्स? सो बेसिकली जब भी हम किसी कोर्स को क्रेडिट पॉइंट असाइन करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, उस कोर्स का मोड क्या है, मतलब इलेक्टिव कोर्स है कि कोर है, या एबिलिटी एंड स्किल एनहांसमेंट के अंदर आता है। तो वेरियस चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है और बेसिकली वो डिपेंड करता है कि ड्यूरेशन ऑफ द वर्कलोड ऑफ द कोर्स, क्योंकि अगर कोर्स का वर्कलोड ज़्यादा है, ड्यूरेशन ज़्यादा है, मीन्स उसके क्रेडिट भी ज़्यादा होंगे। इफ़ ए कोर्स इज वर्थ ऑफ थ्री क्रेडिट, देखिए थ्री क्रेडिट, पहले देखिए जनरली क्या होता है, एकेडमिक टर्म की बात करें तो वन क्रेडिट वन आवर पर वीक को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम थ्री क्रेडिट की बात करते हैं, अगर कोई सब्जेक्ट के पास थ्री क्रेडिट है, मीन्स थ्री आवर लेक्चर पर वीक होना चाहिए, मीन्स ये रिप्रेजेंट करता है कि इट इन्वॉल्व्स एक्सटेंसिव वर्क एंड स्टडी। इन ए टिपिकल सेमेस्टर हाउ आर क्रेडिट आवर यूज टू कैलकुलेट ए स्टूडेंट एकेडमिक लोड? तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि बच्चे ने जो भी कोर्स इनरोल किया है उसमें उसने कितने क्रेडिट आवर्स अर्न किए हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। बाई एडिंग द नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स फॉर ऑल इनरोल्ड कोर्सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द टोटल क्रेडिट पॉइंट ए स्टूडेंट अर्न इन ए सेमेस्टर? तो बेसिकली द नंबर ऑफ क्रेडिट्स फॉर ईच कोर्स मल्टीप्लाई बाई द नंबर ऑफ कोर्सेज। हाउ आर क्रेडिट टिपिकली यूज इन कैलकुलेटिंग एस जी पी ए? सो बेसिकली जब भी हम एस जी पी ए या सी जी पी ए कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हमारा जो क्रेडिट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका क्रेडिट ज़्यादा होगा तो एस जी पी ए ज़्यादा होगा, अगर क्रेडिट कम होगा तो आपका एस जी पी ए भी कम होगा, सेम इन केस ऑफ सी जी पी आल्सो। तो बेसिकली जब एस जी पी ए कैलकुलेट करते हैं तो ना हम उसमें एवरेज लेते हैं, ना सम लेते हैं। ओके, दे आर वेरियस पैरामीटर विच वी नीड टू फॉलो कैलकुलेटिंग एस जी पी ए। सो वाई वेटिंग द ग्रेड रिसीव बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ क्रेडिट ऑफ ईच कोर्स, वॉट इज पर्पज ऑफ असाइनिंग डिफरेंट क्रेडिट वैल्यूज टू कोर्सेज? बेसिकली जब भी हम किसी कोर्स को क्रेडिट डिफाइन करते हैं, असाइन करते हैं, बेसिकली उस क्रेडिट कोर्स की इम्पोर्टेंस, उसका वेट, ये सारी चीज़ें डिफाइन की जाती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, टू रिफ्लेक्ट द कोर्स वर्कलोड एंड इम्पोर्टेंस। हाउ डू यूनिवर्सिटी टिपिकली यूज क्रेडिट टू स्ट्रक्चर डिग्री प्रोग्राम? सो बेसिकली क्या होता है कि आपने सुना होगा CBSCS सिस्टम है, CBSS सिस्टम है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, सेमेस्टर सेम चॉइस सेमेस्टर सिस्टम है हमारे पास।
तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि हर डिग्री के एक स्पेसिफिक मिनिमम नंबर आपके रिक्वायर्ड होती है। अगर आप एनईपी की बात करें तो वहाँ पर ईयर 18 से 36 टू 40 क्रेडिट चाहिए। वैसे ही तो बेसिकली जब भी हम किसी डिग्री के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें हमेशा ध्यान रखा जाता है कि जो मिनिमम क्रेडिट है उतना रिक्वायर होना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन में 160 चाहिए तो देयर शुड बी 160 क्रेडिट। ओके, सो बाय सेटिंग ए मिनिमम नंबर ऑफ क्रेडिट्स रिक्वायर्ड फॉर ए ग्रेजुएशन, तो दैट इज यूनिवर्सिटी बेसिकली अपने प्रोग्राम को डिजाइन करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब हाउ क्रेडिट आवर इन्फ्लुएंस एकेडमिक लोड? सो डेफिनेटली मोर क्रेडिट आवर इंडिकेट ए हैवियर एकेडमिक लोड, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। वॉट डज इट क्रेडिट आवर टिपिकली रिप्रेजेंट इन ए सेमेस्टर सिस्टम? सो वन आवर ऑफ क्लास टाइम पर वीक ओवर ए सेमेस्टर, दैट इज रिप्रेजेंट वन आवर। इन वॉट वे डू क्रेडिट पॉइंट अफेक्ट ए स्टूडेंट एकेडमिक स्टैंडिंग? तो डेफिनेटली दे इन्फ्लुएंस द कैलकुलेशन ऑफ जी पी ए एंड सी जी पी ए। अगर आपका क्रेडिट पॉइंट ज़्यादा है सी जी पी ए ज़्यादा होगा, क्रेडिट पॉइंट कम है तो सी जी पी ए आपका कम होगा। वॉट डज द टर्म क्रेडिट लोड रिफर टू? सो बेसिकली क्रेडिट लोड मीन्स द टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स ए स्टूडेंट इज इनरोल्ड ड्यूरिंग सेमेस्टर। वॉट डज द क्रेडिट ट्रांसफर यूजली मीन इन एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट? इफ यू टॉकिंग अबाउट एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट, तो बेसिकली क्रेडिट ट्रांसफर मीन्स व्हेन स्टूडेंट इज जस्ट यू नो ट्राइंग टू टेक एडमिशन इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी फ्रॉम अनदर इंस्टीट्यूट, मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसफरिंग। तो इन दैट केस क्रेडिट बच्चे का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन इंस्टीट्यूट टू अनदर इंस्टीट्यूट। तो हियर फर्स्ट ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन, द प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग क्रेडिट फ्रॉम वन इंस्टीट्यूशन टू अनदर। वॉट इज मेन एडवांटेज ऑफ हैविंग ए सिस्टम ऑफ क्रेडिट इन एकेडमिक प्रोग्राम? तो बेसिकली दिस इज ए स्टैंडर्ड प्रोसीजर टू टेक ऑल इंस्टीट्यूशन ए सेम प्लेटफॉर्म। सो इट अलाउज फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड कंप्लीशन ऑफ कोर्स अक्रॉस इंस्टीट्यूशन। तो फर्स्ट ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। नाउ वॉट डज एस जी पी ए स्टैंड फॉर? तो बेसिकली एस जी पी ए मीन्स सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सी जी पी ए मीन्स क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। हाउ आर क्रिटिकल क्रेडिट टिपिकली यूज इन कैलकुलेटिंग एस जी पी ए? सो बेसिकली बाई वेटिंग द ग्रेड्स रिसीव बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ क्रेडिट ऑफ ईच कोर्स। हाउ डू क्रेडिट पॉइंट अफेक्ट सी जी पी ए? सो बेसिकली इफ क्रेडिट पॉइंट इज मोर सी जी पी ए विल बी मोर, इफ योर क्रेडिट पॉइंट विल बी लेस सी जी पी ए विल बी लेस। सो दे डिटरमाइन द वेट ऑफ ईच कोर्स ग्रेड इन द सी जी पी ए कैलकुलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट्स एंड क्रेडिट पॉइंट? सो बेसिकली बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ओके, सो हियर यू कैन सी द बी ऑप्शन, क्रेडिट रिफर टू कोर्स वेट एंड वाइल्ड क्रेडिट पॉइंट रिफर टू द न्यूमेरिकल ग्रेड। हाउ इज द टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट पॉइंट्स कैलकुलेटेड फॉर ए सेमेस्टर? सो हियर बाई समिंग द क्रेडिट आवर्स ऑफ ऑल कंप्लीटेड कोर्सेज। इफ स्टूडेंट हैज टेकन फाइव कोर्सेज विथ क्रेडिट 3, 4, 3, 2 and 4, हाउ मेनी टोटल क्रेडिट्स हैव दे कम्प्लीटेड? तो जस्ट एड ऑल द क्रेडिट। तो हियर यू कैन सी 3 + 4 = 7 + 3 = 10 + 2 = 12 + 4 = 16. सो 16 इज ए करेक्ट ऑप्शन। हाउ इज एस जी पी ए कैलकुलेटेड? सो देर इज ए स्पेसिफिक फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एस जी पी ए। इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव मेड मेनी वीडियो ऑन हाउ यू कैन कैलकुलेट एस जी पी ए, हाउ यू कैलकुलेट सी जी पी ए। तो बाई रिफरिंग दोज वीडियो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि हाउ यू कैन कैलकुलेट एस जी पी ए एंड सी जी पी ए। बट हियर बी ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। हाउ इज एस सी जी पी ए कैलकुलेटेड? सो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ हियर यू कैन सी इफ ए स्टूडेंट अर्न्स 15 क्रेडिट्स इन वन सेमेस्टर एंड अचीव एन एस जी पी ए ऑफ 8, वॉट इज टोटल ग्रेड पॉइंट अर्न इन दैट सेमेस्टर? तो दैट इज बेसिकली मल्टीप्लीकेशन ऑफ 8 × 15, बट रिप्रेजेंटेशन इज ए डिफरेंट थिंग। सो करेक्ट ऑप्शन इज 8.0 एस जी पी ए इंटू क्रेडिट्स। हियर इज सेम क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द कैलकुलेशन ऑफ सीजीपीए? सो बेसिकली द नंबर ऑफ क्रेडिट्स इन ईच सेमेस्टर इट्स ऑल्सो अफेक्ट. द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास डजेंट अफेक्ट. द नंबर ऑफ सेमेस्टर कंप्लीटेड डजेंट अफेक्ट. द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द कोर्स डजेंट अफेक्ट. इट्स ओनली अफेक्ट द नंबर ऑफ क्रेडिट्स इन ईच सेमेस्टर. टू इम्प्रूव सीजीपीए स्टूडेंट शुड एम टू अचीविंग हायर एसजीपीए इन सब्सिक्वेंट सेमेस्टर. अगर बच्चे का हर सेमेस्टर में एसजीपीए हाई होगा तो बाई डिफॉल्ट उसका सीजीपीए भी हाई होगा. इफ स्टूडेंट सीजीपीए इज 6.5 आफ्टर फोर्थ सेमेस्टर एंड स्टूडेंट अचीव एसजीपीए ऑफ 8 इन द फिफ्थ सेमेस्टर विथ 18 ग्रेड पॉइंट, वॉट विल बी द न्यू सीजीपीए? डेफिनेटली इन दिस केस आप देख सकते हैं कि चार सेमेस्टर में बच्चे का सीजीपीए 6.5 है लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर में उसका एसजीपीए 8.0 है. अगर ऑन द एवरेज बेस पे भी हम बात करें तो हर सेमेस्टर उसने 6.5 स्कोर किया है बट फिफ्थ में उसने 8 किया है. इसका मतलब ये हुआ कि उसका सीजीपीए पहले से बढ़ेगा. इन दिस केस सीजीपीए विल इंक्रीज. What is purpose of calculating SGPA and CGPA? So basically, SGPA हम calculate करते हैं बच्चे की semester की performance evaluate करने के लिए और CGPA करते हैं cumulative. So B option is correct option. If a student has completed 3 semester with 18, 20 and 22 grades respectively and SGPA of this semester of 7.5, what is weightage average of SGPA? So basically, इसमें basically क्या होता है कि हम एवरेज नहीं लेते हैं. इसमें से एस जी पी ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर इंटू मल्टीप्लाई बाई क्रेडिट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर प्लस एस जी पी ऑफ सेकेंड सेमेस्टर मल्टीप्लाई बाई क्रेडिट ऑफ सेकेंड सेमेस्टर प्लस एस जी पी ऑफ थर्ड सेमेस्टर मल्टीप्लाई बाई क्रेडिट ऑफ थर्ड सेमेस्टर डिवाइडेड बाई टोटल क्रेडिट. सो हियर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. इफ स्टूडेंट हैज़ सी जी पी ऑफ 8 एंड कम्प्लीट से सेमेस्टर विद इन एस जी पी ऑफ 9 एंड 15 क्रेडिट पॉइंट्स, हाउ डज दिस अफेक्ट द सी जी पी ए? डेफिनेटली हियर सो सी जी पी विल इंक्रीज. ओके एंड ए ऑप्शन भी ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन. ए स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड 5 सेमेस्टर विद ए टोटल ऑफ 80 क्रेडिट विद सी जी पी ऑफ 7.2. If the student achieve SGPA of 8 in 6 semester with 20 credit, what will be the new CGPA? So that will be 80 into 7.2 plus 20 into 8.0 divided by total credit. So means A option is correct option. If a student has completed 6 semester, so here first option will be correct option because here only you have to find the value of X. If you are reading the question, you can find yes. A option will be correct option because here we have to find the value of x only. Now, which of the following best describes the difference between SGPA and CGPA? So, SGPA is from for a particular semester and CGPA means cumulative performance. So, just see the first option. SGPA is calculated for individual semester while CGPA is calculated for the entire duration of the program. How does taking additional credit in a semester affect the SGPA? So basically, it increases the SGPA if the additional courses are passed with the higher grade. If a student failed a course but retakes it and passes with a higher grade, how does this affect SGPA? Definitely, SGPA will be increased. So SGPA will increase as the higher grades replace the failed grades. What is the effect of withdrawing from a course on SGPA? So basically, the course is not considered in the SGPA calculation. What happens to CGPA if a student consistently achieve high SGPA in subsequent semester? Definitely, CGPA will be increased. What is primary factor that influence the calculation of both SGPA and CGPA? So basically, that is number of credit. If a student has completed 8th semester and has CGPA of 7.4 with 120 credit, how is the CGPA of next semester affected? If a student earns SGPA of 7.8 with 15 credits, so just see the first option here. You can see the
7.4 मल्टीप्लाई बाई 120 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाई 7.8 डिवाइडेड बाई टोटल क्रेडिट, इट विल गेट गिव यू फाइनल सी जी पी ए. वॉट हैपन्स टू एस जी पी इफ स्टूडेंट एस जी पी एज कॉन्स्टेंटली बिलो 5.0, डेफिनेटली सी जी पी विल बी डिक्रीज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सी जी पी ए? सो बेसिकली सी जी पी ए रिफ्लेक्ट द एवरेज परफॉर्मेंस ओवर ऑल द कम्प्लीटेड सेमेस्टर. विच ऑफ द फॉलोइंग सेमेस्टर इज क्रेट अबाउट एस जी पी ए? सो बेसिकली एस जी पी ए रिफ्लेक्ट द स्टूडेंट परफॉर्मेंस फॉर ए पर्टिकुलर सेमेस्टर. ओके, वॉट इज इम्पैक्ट ऑफ अचीविंग ए परफेक्ट सी जी पी ऑफ 10 इन ए सेमेस्टर ऑन द सी जी पी ए 10? सो बेसिकली सी जी पी ए इंक्रीज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ क्रेडिट्स इन दैट पर्टिकुलर सेमेस्टर. हाउ डज द इंक्लूजन ऑफ मोर इलेक्टिव क्रेडिट अफेक्ट एस जी पी ए कैलकुलेशन? सो बेसिकली इट मे इंक्रीज एस जी पी ए इफ हाई ग्रेड्स आर अचीव्ड. हाउ आर द फेल्ड कोर्सेज रिफ्लेक्टेड इन द कैलकुलेशन ऑफ एस जी पी ए एंड सी जी पी ए? सो बेसिकली फेल्ड कोर्सेज आर इंक्लूडेड विथ ए जीरो ग्रेड पॉइंट. इफ स्टूडेंट सी जी पी ए इज 5.5 एंड दे अचीव एस जी पी ए ऑफ 6 विथ 25 क्रेडिट इन नेक्स्ट सेमेस्टर, हाउ विल द न्यू सी जी पी ए बी कैलकुलेटेड? सो हियर सी द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज करेक्ट ऑप्शन. ओके, वॉट शुड बी स्टूडेंट डू टू कैलकुलेट दियर सी जी पी आफ्टर एडिंग न्यू सेमेस्टर जी पी ए? सो बेसिकली सम ऑफ द ऑल द ग्रेड पॉइंट ऑन एंड डिवाइड बाई द टोटल क्रेडिट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट क्रेडिट इन द कैलकुलेशन ऑफ सी जी पी ए? सो बेसिकली मोर क्रेडिट मीन्स मोर वेट इन द कैलकुलेशन ऑफ सी जी पी ए. टू डिटरमाइन हाउ ए न्यू सेमेस्टर अफेक्ट द सी जी पी ए, वॉट इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड? सो बेसिकली एस जी पी ए एंड क्रेडिट ऑफ न्यू सेमेस्टर. विच वॉट ऑफ द वॉट इज द इफेक्ट ऑफ एडिंग ए सेमेस्टर विथ हाई एस जी पी ए टू द ओवरऑल सी जी पी ए? सो द सी जी पी ए विल बी द ओवरऑल सी जी पी ए विल इंक्रीज इफ द न्यू सी जी पी ए इज हायर देन द प्रीवियस सी जी पी ए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एस जी पी ए इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट. सो एस जी पी ए इज कैलकुलेटेड फॉर इस सेमेस्टर सेपरेटेड, दैट इज करेक्ट. एस जी पी ए इज एन एवरेज ऑफ ग्रेड फॉर ऑल कोर्सेज इन सेमेस्टर, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. एस जी पी ए इंक्लूड्स ग्रेड फ्रॉम ऑल सेमेस्टर, दिस इज रॉन्ग. हाउ डज द इंक्लूजन ऑफ इलेक्टिव कोर्स विथ हायर ग्रेड अफेक्ट द सी जी पी ए? इट्स इम्प्रूव द सी जी पी ए इफ इट इज इंक्लूडेड विथ हायर ग्रेड. टू इम्प्रूव सी जी पी ए स्टूडेंट फोकस ऑन, सो बेसिकली स्टूडेंट फोकस ऑन टू अचीविंग हायर ग्रेड इन सब्सिक्वेंट सेमेस्टर. वॉट इज द रोल ऑफ क्रेडिट इन सी जी पी ए कैलकुलेशन? मीन्स क्रेडिट्स आर यूज टू वेट द ग्रेड फ्रॉम ईच सेमेस्टर. सो आई हैव डिस्कस नी अबाउट यू नो 55 क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन एस जी पी एंड सी जी पी ए कैलकुलेशन, एंड बाई गोइंग थ्रू ऑल द क्वेश्चन डेफिनेटली यू कैन स्ट्रॉन्ग योर कंसेप्ट अबाउट दिस जी पी एंड सी जी पी ए कैलकुलेशन एंड ऑल्सो क्रेडिट. सो थैंक यू.